तो दो बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना जो आप लोग भी अगर फिर अगर MT-15 लेने की सोच रहे हो या अगर आपकी डिग्गी नहीं खुलेगी तो आप सर्विस नहीं करवा सकते क्योंकि तो हेलो गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आपका मेटराइटर के मेटावर्स के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो गाइस आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए ना एक बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं एज अ एमटी ओनर। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब मैंने भी टेल टैली कराई थी ना, टेल टैली की जो दो बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना जो आप लोग भी अगर MT-15 लेने की सोच रहे हो या अगर आपका MT-15 है तो बहुत MT-15 यूजर इस चीज़ को फेस करते हैं। क्या है वो प्रॉब्लम तो दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले अगर बात करते हैं भाई टेल टैली हमें क्यों करवानी पड़ती है। देखो जो MT-15 ना ये काफ़ी कॉम्पैक्ट बाइक है, बोल सकते हो मिनी सुपर बाइक बोल सकते हो उसको। तो जिसकी ओरिजिनल टेल है ना, जिसकी ओरिजिनल टेल है वो काफ़ी लंबी रहती है, यहाँ तक रहती है। तो इससे क्या होता है ना, इसकी देखो सीट काफ़ी कॉम्पैक्ट है, प्लेन सीट तो काफ़ी अजीब सी लगती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैंने भी इसमें क्या कराया था, टेल टैडी करवाई। तो टेल टैडी करवाने के फायदे भी और एज ए नुकसान है, जो दो नुकसान सबसे बड़े मुझे क्या लगे। सबसे पहले देखो टेल टैडी आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप ये गलती करते हो ना, देखो बिगेस्ट प्रॉब्लम दो कौन सी, सबसे पहली सबसे मेन प्रॉब्लम है ना जो हम एमटी यूजर फेस करते हैं टेल टैडी करवाने के बाद, वो है जैसे ना इसका की का होल है वो हमारे गाइस आप देखो कि नीचे ही दे रखा है, ठीक है। अगर ये की के होल में मड चल जाएगी, क्योंकि हम टेल टैडी करवाते हैं जो इसकी ओरिजिनल टेल रहती है उसमें एक मैकेनिज्म रहता है, आपने देखा होगा स्प्रिंग मैकेनिज्म रहता है जिससे ना ये हमारा सेव हो जाता है हमारा जो की होल है। लेकिन जब आप टेल टैडी करवाओगे ना बाहर से आफ्टर मार्केट टेल टैडी लगाओ जैसे मैंने लगवा रखी है, तो ये की होल में ना इसका होता है ओपन हो जाता है ये, ठीक है। तो क्या होता है, इसको कोई प्रोटेक्ट तो रहता नहीं, प्रोटेक्शन इसमें रहता नहीं, तो इसमें क्या होता है मड वगैरह जाती है, पानी वगैरह जाती है, तो जंग खाता है ये आपका की होल, मतलब जो हमारा की लॉक है ये खराब हो जाता है। की लॉक खराब हो जाएगा ना, ये अप्रॉक्स आपको मैं बताता हूँ की होल अगर आप लेने जाओगे कंपनी से भी तो 2-3 हज़ार रुपये का पड़ता है, तो आपको 2-3 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए आप उस 2-3 हज़ार रुपये बचाने के लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले ना मैंने क्या कर रखा है, मैं जैसे मेरे भाई ये सचिन भाई जिनसे मैं गाड़ी वगैरह सही करवाता हूँ अपनी दूसरी गाड़ी सर्विस वगैरह करवाता हूँ, तो उन्हीं के पास गया था मैं, तो उन्होंने क्या करा था प्लास्टिक का टुकड़ा लिया था और उसमें ना नट लगा दिया था। इस नट को टाइट करने के बाद क्या हो गया ना, जो मेरा की है ना ये की लॉक है ये प्रोटेक्ट हो गया, क्योंकि क्या होता है जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, उससे मेरी जो गाड़ी है इसके की लॉक में मड वगैरह नहीं जाती, पानी वगैरह नहीं जाती, इससे इसमें जंक नहीं लगता और मैं आराम से अपनी जब मुझे खोलना होता है तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी दोनों साइड में से किसी भी एक साइड कर लेता हूँ और आराम से अपनी की खोल के अपनी सीट को खोल लेता हूँ और सर्विस कराने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहली तो ये है नुकसान इसमें कि अगर आप टेल टैडी करवाते हो तो आपको अपना की होल को सेव करना पड़ेगा और आप इजीली कर सकते हो। आपको जो नियर बाय में जो मैकेनिक भाई होगा उनसे बोलना है प्लास्टिक का टुकड़ा ऐसे करके लगा दो, मेरी तरह से मेरा मैकेनिज्म है इसको दिखा दो कर ढंग से, जो मेरा मैकेनिज्म है ना ऐसा मैकेनिज्म लगवाना है आपको, ये मैकेनिज्म बहुत ही सस्ता हो जाएगा आपको। देखो मेरा नट लगा हुआ है और ये प्लास्टिक का टुकड़ा है और जैसे मुझे अपनी गाड़ी की सर्विस करनी देनी होती है या मुझे कभी अपनी सीट खोलनी होती है तो मैं यहाँ से लॉक खोलता हूँ, मेरे कागज वगैरह गाड़ी के नीचे डिग्गी के अंदर रहते हैं तो कागज निकाल के दिखा देता हूँ जब मुझे कभी किसी को दिखाने होते हैं कागज, और जब मुझे लगता है कि मुझे राइड पर जाना है तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ, तो मेरा की जो की लॉक है ये सेव हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप में से मेरे बहुत से भाई क्या करते हो टेल टैडी करवा देते हो लेकिन आप सही टेल टैडी लगाते हो, मैंने देखा है बहुत बड़ी ना बंदे लोग लोकल टेल टैडी लगाते हैं। तो भाई देखो जो मेरी टेल टैडी ना टेल टैडी है ये थोड़ी एक्सपेंसिव बोल सकते हो आप, मेरी कम से कम ये 1000 रुपीज़ की है, लेकिन ये क्वालिटी जो है ना इसकी प्रीमियम क्वालिटी है भाई, ये ख़राब क्वालिटी नहीं है, ठीक है। ये हल्ला भी करेगी लेकिन ये टूटेगी नहीं, ठीक है। और इसको आप ढंग से लगाओगे, अच्छी क्वालिटी के लगाओगे तो आपकी कभी भी नंबर पर टूटने वाली नहीं है। और आपको ये वाला मडगार्ड कभी मत निकालना भाई, क्योंकि अगर ये निकालोगे तो ऊपर आपके कीचड़ आ सकते हैं। तो भाई यही थी कि मतलब ना टेल टैडी करवा सकते हो आप लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो इतना था इस वीडियो में जो आपको मुझे प्रॉब्लम बतानी थी, इसका सोल्यूशन भी बहुत ईजी है, सोल्यूशन भी आपको मैंने दिखा दिया है। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।